मैंने मांगी थी मोहब्बत मैं पाया ने रुसवाया वे आज आप ऑफिस नहीं गई? मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। हाँ मैं भी अभी तक ऑफिस नहीं गया। मैंने ऑफिस कॉल की थी तो पता चला कि आप भी अभी तक नहीं आए और सोचा कि आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आप मेरे बुलाने पर आ गई। आप उसकी खैरियत नहीं पूछेंगे? वो ठीक ही होंगे, मुझे उनकी तबीयत से क्या। ऐसे ना कहें, वो तो बेहोशी की हालत में भी सारी रात आपको पुकारता रहा। वैसे अब उसकी तबीयत बेहतर है, वो घर शिफ्ट हो गया है। अगर आप चाहें तो मैं आपको उसके घर का एड्रेस दे सकता हूँ। आप चली जाएंगी तो उसे बहुत खुशी होगी। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती। पहले ही मुझे अफसोस है कि मैं हॉस्पिटल गई, हालांकि मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं है, तो पता नहीं क्यों मैं उनकी तीमारदारी करती फिरूं। एक ही ऑफिस में काम करने वाले फैमिली की तरह होते हैं, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होते हैं। उस ऑफिस में और भी बहुत से लोग काम करते हैं, ना ही कोई मिलने गया, ना ही किसी को आपने स्पेशली फोन करके बुलाया। क्या आपको नहीं लगता कि आप में और दूसरे एम्प्लॉयज में फर्क है? हाँ, अगर आप समझना नहीं चाहती तो वो अलग बात है। मैं वाकई नहीं समझना चाहती सर, और प्लीज आइंदा मुझसे ऐसी कोई बात मत कीजिएगा वरना मुझे वाकई जॉब छोड़नी पड़ जाएगी। कैसी लड़की हैं आप? किसी की जिंदगी आपके लिए कोई मायने ही नहीं रखती। वो मोहब्बत करता है आपसे। मोहब्बत करने की इतनी कड़ी सजा तो मत दें उसे। वो आपके लिए बेचैन है और आपको उसकी कोई परवाह नहीं। उन्होंने ये रास्ता अपने लिए खुद चुना, मैंने उनसे ये रास्ता चुनने के लिए नहीं कहा, और उनकी जो हालत है वो उसके खुद जिम्मेदार है, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। लेकिन अगर आप चाहें तो आप उसे उस दुख और तकलीफ से निकाल सकती हैं। वो आपसे फ्लर्ट नहीं कर रहा, आप उससे बेशक ना मिले, लेकिन एटलीस्ट उसे इतनी इजाजत तो दे दें कि वो अपने घर वालों को आपके घर रिश्ता लेने के लिए भेज सके। मैं उनसे शादी नहीं करना चाहती, बल्कि मैं किसी से शादी नहीं करना चाहती। प्लीज आप मुझसे ये बातें करना बंद कर दे। ठीक है, मैं आपसे आइंदा ऐसी कोई बात नहीं करूंगा, लेकिन लास्ट टाइम मुझ पर एक एहसान कर दे। आप सिर्फ एक बार आके उससे मिल ले और खुद अपनी जबान से ये सारी बातें उसे बता दे, क्योंकि वो मुझ पर ट्रस्ट नहीं करेगा। उन्होंने यकीन करना है कर ले, नहीं करना ना करें, मैं क्यों ये बात करूं। प्लीज अलीज़े, आखिरी बार मेरी बात मान लीजिए, उसके बाद मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा और ना ही इस बारे में मैं कभी आपसे बात करूंगा। मैं आपको एड्रेस मैसेज कर देता हूँ।